साउथ एक्टर धनुष राजा और ऐश्वर्या रजनीकांत ने 17 जनवरी 2022 को अपने डिवोर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, जिससे उनके फैंस को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इनका रिश्ता 18 साल से था। दोनों के दो बेटे हैं, इनकी लव मैरिज हुई थी। दोनों की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। धनुष और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात एक फिल्म प्रीमियर पर हुई थी। धनुष अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी फिल्म के प्रीमियर पर गए थे, पर जब फिल्म खत्म हुई तो सिनेमा हॉल के मालिक ने धनुष और ऐश्वर्या को मिलवाया। ऐश्वर्या के साथ उनकी बहन सौंदर्या भी थी। तब उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ हाय बोला और अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन ऐश्वर्या ने धनुष को फूलों का एक गुलदस्ता भेजा, जिसमें एक मैसेज था, गुड वर्क, कीप इन टच। धनुष ने इस बात को काफी सीरियसली लिया। फिर दोनों मिलने लगे। ऐश्वर्या के साथ साथ धनुष की सौंदर्या से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहली मुलाकात के 2 साल बाद 18 नवंबर 2004 को दोनों की शादी हो गई। इनकी शादी काफी ग्रैंड लेवल पर हुई थी। धनुष ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐश्वर्या उन्हें क्यों पसंद आई। धनुष ने कहा कि रजनीकांत सर की सिंपलिसिटी पूरी दुनिया को पसंद है, पर जब आप ऐश्वर्या से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पिता रजनीकांत से 100 गुना ज्यादा सिंपल है, और उनकी यही सादगी मुझे पसंद है। शादी के 2 साल बाद 2006 में ऐश्वर्या ने अपने बड़े बेटे यात्रा और 2010 में अपने दूसरे बेटे लिंगा को जन्म दिया। दोनों की मैरिड लाइफ की मिसालें दी जाती थी। इन्हें परफेक्ट कपल भी कहा जाता था। ऐश्वर्या ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके माता पिता पुरानी सोच को फॉलो करते हैं, इसीलिए उन्हें शादी से पहले धनुष को डेट करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला। हमारे रिश्ते के बारे में पता चलते ही उन्होंने हमसे तुरंत शादी करने को कहा। ऐश्वर्या ने कहा कि भले ही धनुष के साथ डेटिंग करने का टाइम उन्हें नहीं मिला, पर वो अपनी शादी से पूरी तरह से खुश थी। पर इतनी समझदारी से भरे रिश्ते के टूटने का क्या कारण होगा, यही बात सबके दिमाग में है। माना जा रहा है कि पिछले 3 सालों से ही इनके रिश्ते काफी खराब चल रहे थे। सबसे पहले धनुष के अफेयर्स की खबरें 2011 में आई थी। ऐश्वर्या अपनी फिल्म 3 का डायरेक्शन कर रही थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म भी थी। इस फिल्म में उन्होंने धनुष के साथ अपनी बचपन की दोस्त श्रुति हसन को साइन किया था। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान श्रुति और धनुष के अफेयर की खबरें आई थीं, पर ये सच थी भी या नहीं इसके बारे में किसी ने कोई बयान नहीं दिया, तो इसे अफवाह मान लिया गया। उसके बाद भी धनुष का एक्ट्रेस अमाला पॉल और त्रिशा कृष्णन के साथ अफेयर की खबरें आती रहीं, और 2020 में फिर से श्रुति के साथ धनुष का नाम जोड़ा गया। धनुष और श्रुति ने ऐश्वर्या के डायरेक्शन में बनी 3 फिल्मों में साथ काम किया। इन सब की वजह से धनुष ऐश्वर्या का रिश्ता खराब होने लगा, और अनबन की वजह से धनुष ने खुद को काम में और ज्यादा बिजी कर लिया। वो लगातार फिल्में साइन करते रहे, इसी वजह से वो घर से दूर रहने लगे। धनुष काफी प्राइवेट किस्म के इंसान हैं, अपनी बातें ज्यादा किसी से शेयर नहीं करते। इसी वजह से ऐश्वर्या से उनका झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ ऐश्वर्या का डायरेक्शन करियर ठीक नहीं चल रहा था, ये भी डिवोर्स का एक कारण बना, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। वहाँ हीरोइन बनना तो फिर भी ठीक है, पर डायरेक्टर बनने के लिए बहुत मुश्किल आती है। ऐश्वर्या की डायरेक्ट की गई फिल्में फ्लॉप रहीं, इसीलिए ऐश्वर्या मुंबई में सेटल होना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का भेदभाव थोड़ा कम है और फीमेल डायरेक्टर्स की भी वैल्यू है। इसी वजह से धनुष ऐश्वर्या की दूरियां बढ़ती चली गईं। पिछले 6 महीने में दोनों काफी मुश्किलों में रहे। आखिर में ये तलाक का फैसला लिया गया। अभी तक धनुष फिल्म अतरंगी रे का प्रमोशन कर रहे थे। फिल्म के सभी प्रमोशन पूरे होते ही इस तलाक का ऐलान किया गया है, ताकि वो मीडिया के सवालों से बच सकें। आपको धनुष ऐश्वर्या की इस पूरी कहानी का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।